मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, दिल रुबा है, दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, दिल रुबा है। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने जिंदगी को कितना खुशी से जिया। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीवुड नशा एंड मैं अभी आपके साथ हूँ आपका भाई सनी। तो चलिए गाइस पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ अभी इंडिया के फेमस सोशल मीडिया स्टार्स में से एक एंड बहुत ज़्यादा फेमस टिकटॉक स्टार मुस्कान शर्मा के बारे में, क्योंकि गाइस मैं आज दिखाने वाला हूँ मुस्कान शर्मा के दो तीन रील्स वीडियो एंड मुस्कान शर्मा के जितने भी फैंस हैं उन सब के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छे गुड न्यूज़, और वो है मुस्कान शर्मा के फाइनली दिल्ली वाले ब्लॉग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिए है। और गाइस मुस्कान शर्मा को लेकर और एक गुड न्यूज़ है, और वो है मुस्कान शर्मा हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिलहाल 2K जो सॉन्ग है उस सॉन्ग के ऊपर एक रील्स वीडियो बनाए थे, और गाइस उस रील्स इतना ज़्यादा वायरल हो गए हैं जो कि आज उस सॉन्ग के जो सिंगर है यानी बी प्राक ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करी है, जिसको लेकर अभी मुस्कान शर्मा बहुत ज़्यादा खुश है। तो गाइस आइए देख लेते हैं। एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अभी मोहब्बत करते हो? बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके वीडियो बस आ ही रही है, हम लोग बाहर आए हुए हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए बहुत लेट अपलोड हो रही है, पर ऑन द वे है। कितना परसेंटेज हुआ? 4%। ओ गॉड 4% हुआ है, बट हो रही है, हो रही है। तो पिछले दो दिन से मुझे इतने सारे डीएम आ रहे हैं और आप सभी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो मैंने दो दिन पहले स्टोरी डाला था कि हमें आधी रात को ट्रेन से उतरना पड़ा था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, सब लोग ट्रेन से उतर गए थे, ड्राइवर भी आधे बीच जंगल में ट्रेन से उतर गए थे, क्या हादसा हुआ था, क्या परेशानी हुई थी, दो बार हमने ट्रेन का जो चेन होता है उसको क्यों खींचा, और ये सारी चीजों के लिए जल्दी से स्वाइप अप करके देखो, मैंने सब कुछ व्लॉग में डाला है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो हमारा आज लास्ट डे है दिल्ली में और हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक या दो ब्लॉग साइड में खड़ी रहो ना, आने वाला है बहुत जल्दी के दिल्ली में, बस जल्दी आने वाला है। तो फाइनली हम इतने एडवेंचरस ट्रिप के बाद पहुंच चुके हैं, और यूट्यूब पे अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है देखना जरूर, मैं सबके कमेंट्स वहाँ भी पढ़ रही थी, और अभी मैंने नया पिक्चर पोस्ट किया है मैं वहाँ भी सभी के कमेंट्स पढ़ दिया, आप लोग इतना मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच। और जो नया ब्लॉग आ रहा है पर उसका टॉपिक मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग और अलग है। तो सो जाओ।